Hello dear students, I hope you are fine. Today we will be discuss about metallographic analysis. Metallographic analysis क्या होता है? तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं. Metallographic मतलब किसी भी surface के microstructure level तक उसकी structure का पता लगाना होता है हमारा metallographic study. Suppose ये आपकी एक कोई surface है, इसके ऊपर की आपको स्ट्रक्चर का जानना हो कि सर टेक्सचर कैसा है, इसकी स्ट्रक्चर क्या सीमेंट टाइट है या फेराइट टाइप की है या मर्टेनसाइट हो गई या परलाइट हो गई. तो किसी भी तरह की फेस को अगर आपको पता लगाना है तो आप अपने नेक डाई से तो आप देख के पता लगा नहीं सकते, ठीक है. तो आपके उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर जानना हो तो हम क्या करते हैं, उसकी मेटलोग्राफिक स्टडी करते हैं, जिससे हम पता लगा पाते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है. और अगर हमको ये पता लग गया कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी है तो हम ये बता पाएंगे कि वो कैसा बिहेव करेगी, ठीक है. तो इसको स्टडी करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले माइक्रोस्ट्रक्चर की स्टडी करने के पहले हमको हम क्या करते हैं मेटलोग्राफिक एनालिसिस के अंदर माइक्रो स्ट्रक्चरल स्टडी, ठीक है. तो ये करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारी सरफेस है उसको प्रिपरेशन करेंगे. सो व्हाट इज मेटलर्जी, सॉरी मेटलोग्राफी. तो मेटलोग्राफी इज द स्टडी ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स ऑफ मेटल्स टिपिकली यूजिंग माइक्रोस्कोप. तो माइक्रोस्कोप का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, इसकी सरफेस की प्रॉपर्टीज का पता लगाते हैं, उसको हम मेटलोग्राफी बोलते हैं. माइक्रोस्कोप आपका SCM हो सकता है, मेनली ये यूज़ करते हैं आजकल जो हो रहा है स्कैनिंग, SEM सॉरी सेम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, टेम भी आता है ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. तो ये माइक्रोन लेवल तक का ये पता कर सकते हैं, इनकी काफ़ी अच्छी रेंज रहती है, ठीक है. इसके अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आपको सब स्ट्रक्चर तक एटॉमिक लेवल तक आप पता लगा सकते हैं किस टाइप की स्ट्रक्चर्स उसके अंदर हैं और कहाँ उसमें डिफेक्ट पॉसिबल है. तो मेटोग्राफी की स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमको उसकी सरफेस प्रिपरेशन करना पड़ेगी, सरफेस प्रिपरेशन हमको करना पड़ेगी, ठीक है. तो सरफेस प्रिपरेशन मतलब क्या हुआ, अगर मान लो कोई ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपको इसकी सरफेस का माइक्रोस्ट्रक्चर स्टडी करना है. तो मान लो मैं किसी एक रोड है मेरे पास, रोड को अगर मुझे उसकी माइक्रोस्ट्रक्चर पता करना है तो उसका ये फेज है, ठीक है. तो अभी तो जब मैंने इसको काटा है तो इसके ऊपर काफ़ी सारे स्क्रेच है, बिल्कुल ये फिनिश नहीं है. और अगर हमको जो माइक्रोस्ट्रक्चरल स्टडी पता करना है, मेटलोग्राफी स्टडी करना है, तो मुझे बिल्कुल से एकदम से एक फाइन फिनिश चाहिए, एकदम बिल्कुल डायमंड लेवल की फिनिश, बिल्कुल जीरो इसमें पिक्सन वैल्यूज होना चाहिए, पिक्सन वैल्यूज जीरो होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ मुझे वो चाहिए. तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक बड़ी सी रोड का मुझे करना है तो रोड तो मैं लूँगा नहीं, छोटा सा एक 10 mm का सिंपल पीस काट लूँगा. तो पहले मैं कटिंग करूँगा, ठीक है. कटिंग के बाद माउल्डिंग, ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग, इचिंग और ऑब्जर्विंग, देखते हैं कैसे करते हैं. तो कटिंग के अंदर सबसे पहले अपन क्या करें, कट द वेल्डेड स्पेसिमन इनटू 10 mm विथ यूजिंग द बैंड सो. यहाँ पर ये बैंड सो का यूज़ करके क्या कर रहे हैं, इसकी एक 10 mm का विथ का एक स्पेसिमन काट रहे हैं. अब उसको आपने काट लिया, मान लो आपने स्पेसिमन अब काट लिया तो क्या होगा कि स्पेसिमन को आपको कहीं ना कहीं उसको माउंट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्पेसिमन को किसी वाइस के अंदर, अगर मान लो कोई वाइस है वहाँ उसको आप लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो अगर वाइस के अंदर लगा रहे हो तो इस फोर्स के कारण इसके अंदर स्क्रेच आ सकते हैं. इवन आप अगर इस पर हाथ आपका लग जाएगा तो भी इस पर कुछ ना कुछ स्क्रेच आ जाएंगे, या कुछ इस पे आपके हाथ की कोई धूल या कुछ हो तो उस पे लग जाएगा. मान लो आपका हल्का ऑयल उस पे लग गया तो उसकी जो माइक्रोस्ट्रक्चर फाइनल आएगी वो सही नहीं आएगी. फिर बता रहा हूँ, हमको जब माइक्रोन नैनो लेवल पर जब हमको माइक्रोस्ट्रक्चर देखना है तो हमको उसको बहुत अच्छे से फिनिश करना पड़ेगा. तो हम उसको अनवांटेड टचिंग ना हो उसके लिए क्या करते हैं, किसी ना किसी रेजिन के अंदर, किसी एक पॉलीमर मटेरियल के अंदर इसको फिल कर देते हैं. अब देखिए सराउंडिंग से जब आप इसको पकड़ रहे हैं तो आप इस पॉलीमर को पकड़ रहे हैं, मटेरियल को नहीं पकड़ पा रहे हैं.
तो बिल्कुल ये अभी ये सेफ हो चुका है। इसके अंदर आपने इस पेरोक्सी रेजिन के अंदर इसको फिल कर दिया। इसको मैं बोलता हूँ माउंटिंग कर देते हैं, फिर मोल्डिंग कर देते हैं। बेसिकली मोल्डिंग हो गई है ना। मोल्डिंग के बाद हम क्या क्या करेंगे, इसको सरफेस को ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंड करने के लिए काफ़ी सारे आपके पास सिलिका पेपर्स होते हैं, आप काफ़ी फाइन उस पर ग्राइंडिंग करें, और उसकी जो स्पीड रखें वो 250 ग्राइंडर की आपकी वो स्पीड आप रख सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप इसकी जो सिलिका के जो पेपर है उसकी साइजिंग भी आपके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। ठीक है, 240 रफ थोड़ा होगा, फिर 320। जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे ग्राइंडिंग उसके, इसका मतलब होता है कि ग्रिड साइज बढ़ेगी पर इंच के अंदर, तो उसका उतनी फाइन फिनिशिंग आपको मिलेगी। तो ग्राइंडिंग से अपन लोग फिनिशिंग करते हैं, लेकिन ग्राइंडिंग को हम जब माइक्रोन लेवल की स्टडी करना होती है हमको मेटलोग्राफिक के लिए, तो ग्राइंडिंग इज द जो सबसे रफ जो प्रोसेस है किसी सरफेस फिनिश करने की, वो मेरी कौन सी है, ग्राइंडिंग। तो ये मैं ग्राइंडर यूज़ कर रहा हूँ, ये ग्राइंडर, इस ग्राइंडर के ऊपर मैंने इसको रख दिया सरफेस ग्राइंडर। तो इस सरफेस की ग्राइंडिंग हो रही है। सरफेस की ग्राइंडिंग के बाद उसको हम क्या करेंगे, पॉलिशिंग करेंगे। पॉलिशिंग का हमारा क्या मतलब शब्द है, ग्राइंडिंग तो हम कर चुके हैं, तो द पर्पज ऑफ पॉलिशिंग स्टेप इज टू रिमूव द डैमेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कटिंग एंड प्लेनर ग्राइंडिंग। क्योंकि जब आपने ग्राइंडिंग किया है तो जो ग्राइंडिंग के स्मॉल स्मॉल, मान लो आपको ग्राइंडिंग व्हील है, तो ग्राइंडिंग व्हील क्या होता है, काफ़ी सारे स्मॉल स्मॉल ग्रिड से मिलकर बना होता है, एब्रेसिव पार्टिकल से। तो अब मान लो आपने इसके ऊपर से ग्राइंडिंग किया, तो इस एब्रेसिव पार्टिकल का कुछ स्क्रेच इस पर आ गया होगा। ठीक है, आया होगा ना, क्योंकि ग्राइंडिंग पार्टिकल हार्ड है या सॉफ्ट है, तो इसका कुछ स्क्रेच इस पर आ गया होगा। तो ये फिनिश तो बिल्कुल नहीं हुआ होगा, फिनिश तो हुआ लेकिन एग्जैक्ट फिनिश नहीं हुआ होगा, क्योंकि इसके ऊपर कुछ ना कुछ स्क्रेच आ गया है। तो इस स्क्रेच को मिटाने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसको पॉलिशिंग करेंगे। तो पॉलिशिंग के अंदर हम लोग इसको अच्छे से पॉलिशिंग कर देंगे। ठीक है, और पॉलिशिंग के बाद जो होता है वो होता है इचिंग। ठीक है, तो इचिंग का मतलब क्या होता है, तो मेटलोग्राफिक इचिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिवेलिंग माइक्रोस्ट्रक्चरल डिटेल्स दैट वुड अदरवाइज नॉट बी इविडेंट ऑन दी एस पॉलिश्ड सैंपल। अब जब आपने पॉलिश्ड उसको कर दिया है, तो पॉलिश के बाद भी जब आपने पॉलिशिंग किया तो भी कुछ ना कुछ उसके अंदर उसके स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ ना कुछ डिफेक्ट, या डिफेक्ट नहीं बोल सकते हम उसको, कुछ ना कुछ उसके ऊपर स्केचेस रह जाते हैं, या जो आपने जिसके थ्रू पॉलिशिंग किया था उसका कुछ मटेरियल मान लो को छूट गया है, तो उसको बिल्कुल साफ करने के लिए अब हम क्या करेंगे, कुछ केमिकल रिजेंट उसके उधर डालते हैं। तो डिप्ट द इचर ऑन टू द सिलिका पेपर पॉलिशिंग मशीन। हम लोग पॉलिशिंग मशीन के ऊपर क्या करते हैं, इचर डालते हैं, मतलब एक केमिकल रिजेंट डालते हैं। अप्लाइड द माउल्डेड स्पेसिमेन ऑन टू द मूविंग सिलिका पेपर, और उसके ऊपर सिलिका पेपर डाल देते हैं, और उसको वाटर से धो लेते हैं, और उसको 15 सेकंड तक उसको डिप कर देते हैं एथेनॉल के अंदर। बेसिकली एथेनॉल जो है यहाँ पर क्या है, हमारा इचिंग एजेंट है। तो इचिंग एथेनॉल के अंदर 15 सेकंड तक हमने इसको जब उसको डिप किया, उसके बाद उसको अच्छे से वॉश्ड द स्पेसिमेन बाय यूजिंग वन, पानी से उसको धो लेते हैं, और सूखे सूखे कपड़े से उसको हम लोग पूछ लेते हैं। ये सब करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्वेशन करेंगे, क्योंकि अब वो बिल्कुल से बिल्कुल सरफेस उसकी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व द स्पेसिमेन माइक्रोस्ट्रक्चर अंडर द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इन तीनों में से जो हमारे पास अवेलेबल है, ट्राई करें कि हम ACM सबसे अच्छा है देखने के लिए, इसे यूज़ करें। तो जो ये आपकी जो माइक्रोस्ट्रक्चर्स आइए, देखो ये जो है ये आपकी आई है परलाइट। परलाइट इज़ द अल्टरनेटिव लेयर ऑफ सीमेंटाइट एंड फेराइट, और ये आपकी सीमेंटाइट ये आई है। तो ये एक एग्जाम्पल है अंडर द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन कि कैसे आपको स्ट्रक्चर दिखती है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करते हैं, मेटलोग्राफिक स्टडी कर सकते हैं। उसके लिए आपने सरफेस प्रिपरेशन की, उसके अंदर आपने पहले जो भी प्रोसेस कटिंग की, उसके बाद मोल्डिंग की, देन ग्राइंडिंग की, उसके बाद पॉलिशिंग की, ठीक है, उसके बाद इचिंग की, और उसके बाद उसको ऑब्जर्व किया, और आपको रिक्वायर्ड जो चीज़ मिल गई। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट मी, आई डेफिनेटली आई विल कम बैक टू।